हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपके जून 2019 टर्म एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट की एक बड़ी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे अपने जून 2019 के रीवैल्यूएशन रिजल्ट के लिए अप्लाई किया था। सो दोस्तों, आपके रिजल्ट की एक बड़ी अपडेट आ गई है। आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने इसके लिए अप्लाई किया था वो सभी यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस एज ऑन October 1, 2019। सो दोस्तों, आप अपना रीवैल्यूएशन का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। दोस्तों, प्रूफ के तौर पे यहाँ पे आप एक स्टूडेंट का रिजल्ट चेक कर सकते हैं जिन्हें यहाँ पे MPA 18 में 41 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 50 मार्क्स। सो दोस्तों, अगर आपने भी इसके लिए अप्लाई किया था तो आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं आपके नॉर्मल रिजल्ट के बारे में। सो आपके नॉर्मल रिजल्ट को भी लेटेस्ट यहाँ पे October 1 को अपडेट कर दिया गया। सो दोस्तों, अगर आपके रिजल्ट अभी तक पेंडिंग में थे तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। प्रूफ के तौर पे यहाँ पे आप एक स्टूडेंट का रिजल्ट चेक कर सकते हैं दोस्तों, MCO 05, जिसे यहाँ पे लेटेस्ट 30 सितंबर को अपडेट किया गया है इग्नू की वेबसाइट पे। दोस्तों, साथ ही आपके ग्रेड कार्ड को भी यहाँ पे लेटेस्ट 1 अक्टूबर को अपडेट कर दिया गया। करंट ग्रेड कार्ड स्टेटस एज ऑन October 1, 2019। सो दोस्तों, आप अपना ग्रेड कार्ड चेक कर लीजिए। आपको अपने ग्रेड कार्ड में चेक करना है स्टेटस, सभी सब्जेक्ट के सामने कंप्लीटेड होना चाहिए। अगर किसी सब्जेक्ट के सामने नॉट कंप्लीटेड है तो उसके क्या क्या रीजंस है, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। सो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। दोस्तों, बात करते हैं अगर आपके किसी सब्जेक्ट में बैक आई है तो आप अभी December 2019 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 5 अक्टूबर तक आप यहाँ पे विदाउट लेट फीस अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, उसके बाद में आपको लेट फीस पेमेंट करना होगा। दोस्तों, आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना एग्जाम फॉर्म तो फिलअप कर दिया लेकिन उन्होंने अभी तक अपना स्टेटस चेक नहीं किया कि क्या उनका एग्जाम फॉर्म सही से फिलअप किया गया है। सो दोस्तों, उसके लिए भी एक वीडियो बनाया हुआ है। सो आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन स्टेटस जरूर चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपके असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट ओवर हो गई है, लेकिन चांसेज है अभी भी कि आपकी लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली आपके रीजनल सेंटर से मैसेज मिला है कि आप 5 अक्टूबर तक या फिर किसी स्टूडेंट को 31 अक्टूबर तक अपने असाइनमेंट सबमिट करने के लिए बोला गया है। सो दोस्तों, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, जल्दी ही आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी इग्नू की वेबसाइट पर रिलीज कर दिया जाएगा। सो दोस्तों, इन सभी की पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप सोल्ड असाइनमेंट परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके अपने असाइनमेंट्स के लिए सोल्ड असाइनमेंट PDF मुझसे परचेज कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Thank you friends, keep watching Tips Guru।